वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति की हुई मौत, कुछ लड़कों पर पीट पीट कर मारने का आरोप। थाना दक्षिण क्षेत्र नई बस्ती किशन पाल वाली गली के पास की घटना है। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने किया मृत घोषित। फिलहाल शव पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया है। थाना दक्षिण क्षेत्र नई बस्ती किशन पान वाली गली से गंभीर हालत में एक 45 वर्षीय व्यक्ति को जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए शव विच्छेदन गृह में रखवाया गया है। मृतक के भाई ने गली के ही कुछ लोगों द्वारा पिटाई करने का आरोप लगाया। बताते चले, थाना दक्षिण क्षेत्र नई बस्ती किशन पान वाली गली निवासी 45 वर्षीय वसीम पुत्र अब्दुल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल उसके भाई सलीम द्वारा लाया गया, जहां चिकित्सक सिद्धार्थ यादव ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। सलीम सलीम, क्या कौन है ये आपके? मेरा भाई है। क्या नाम है इनका? वसीम। क्या हो गया था इनके साथ? कि वहां से आ रहा था, इनका ठेला खड़ा हुआ था, इधर से आ रहा था। अब जा लाइए क्या? नहीं, ठेला काय का करते हैं? दौड़ों का। अच्छा, फिर नहीं जी, सामान ला रहा था परसूनी का। फिर क्या हुआ? तो उन्हें ठेला डाले, इन्हें मना करी होगी ना, तो मारपीट हो गई। इसको मार रहे थे सर मैंने, जब मैं वहाँ पे अकेला पहुँचा था, ये मेरा भाई पहुँचा था। जी सब थे, इसके 4-5 सब थे, बाप भी था। कौन कौन लोग थे? नाम का मैं ध्यान में नहीं है। आज अदालत सर लोडे मारपीट वो कर रहे थे, हमारे पास तो रहने के लिए। मारपीट कहाँ पर की थी ये? मैं उनके घर के सामने हुई। अभी क्या स्थिति है इनकी जी? अब आप जहाँ लेके आए हो, डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको? क्या मामला है? अभी एक व्यक्ति आया है वसीम नाम का, जिसकी उम्र 45 साल है। जब हमारे पास वो आया, मृत अवस्था में था। बाकी अग्रिम कार्रवाई के लिए हमने उनके परिवार वालों को बोला है, सब पोस्टमार्टम कराया। मयंक भटनागर किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालक की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। शहर का सुप्रसिद्ध एवं शिक्षा जगत में अग्रणी महात्मा गांधी सेवा एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महात्मा गांधी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, पता ढोलपुरा रोड निकट MGM ढोलपुरा स्कूल फिरोजाबाद, DLED में प्रवेश हेतु शीघ्र ही संपर्क करें। प्रमुख विशेषताएं: गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना, विद्यालय से प्रशिक्षित अधिकतम प्रशिक्षुओं ने CTET एवं UPTET पास किया, अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा, कमजोर प्रशिक्षुओं पर विशेष ध्यान, अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन, कार्यवाहक प्राचार्य श्रीमती जयश्री रीना रानी, कार्यालय अधीक्षक मयंक चतुर्वेदी। सहयोग के लिए संपर्क करें 8630714228, ऑफिस नंबर 8273873537। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हमारे यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, जो कि आयोग के द्वारा ये चल रही है। यहाँ पे 30 अगस्त तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों इसमें, वो अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद ही हमारे विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं।